नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों, बरसात में बकरी के बच्चे का ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, यानी कि बरसात में बकरी के बच्चे को मोटा कैसे करें। देखिए, बरसात में बकरी पालन करना बहुत ही मुश्किल का काम है दोस्तों। अगर आपके पास सही ढंग से रख रखाव और व्यवस्था नहीं है तो आप बकरी पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और बकरी के बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, वो मोटा तगड़ा नहीं होंगे और वो मोर्टालिटी का शिकार हो सकते हैं। अक्सर बरसात में हर बकरी पालक के साथ यही होता है और खास तौर से जो नए बकरी पालक हैं उनके साथ तो अक्सर होता ही होता है। अगर बरसात के मौसम में 10 बच्चे पैदा हुए, 5 बच्चे मर जाते हैं और 4 से 5 जो बचते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है, उसमें आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो आज हम इसके ऊपर जो है कि जानेंगे कि बकरी के बच्चे का ग्रोथ बरसात में कैसे बढ़ाएं और उन्हें मोटा कैसे बनाएं और उन्हें मोर्टालिटी से कैसे बचाएं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बरसात के मौसम में अगर आपकी बकरी बच्चा को जन्म देती है या जन्म दे चुकी है बरसात से पहले, तो उसका देखभाल अच्छे तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि बकरी के बच्चे को नमी मुक्त यानी कि गीला मुक्त, गीला जगह पर नहीं रखना है, उसे हमेशा सूखा जगह पर रखना है। और मैं 3 महीने से जो नीचे के बच्चे हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, जो 3 महीने से ऊपर के हो गए हैं उनके लिए अलग सिस्टम, अलग तरीका है रख रखाव खाने पीने का, वो अलग तरीका है। लेकिन जो 3 महीने के पहले यानी नीचे के बच्चे हैं, जैसे बकरी ने 10 दिन 1 हफ्ता पहले बच्चा दे दिया है या 1 हफ्ता 10 दिन में देने वाली है या आजकल में ब्याई हुई है, तो उनको आप हमेशा नमी मुक्त रखें, सूखे जगह पर रखें और बकरी को भी सूखे जगह पर रखें। अगर आप बच्चे को सूखे जगह पर रख रहे हैं और बकरी को गीले जगह पर छोड़ दिए हैं, बकरी बरसात में भींग रही है, तो उससे क्या होता है, बकरी को खुद निमोनिया और बुखार हो जाता है और वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, निपाल नहीं पाती है, बच्चा भी उसके साथ में बीमार हो जाता है। बकरी या और बच्चा यानी कि माँ और बच्चे दोनों को सूखे जगह पर रखें, भींगने से बचाएं और बकरी के बच्चे को समय समय से दूध पिलाएं और ज़्यादा फीडिंग ना कराएं, ओवर फीडिंग ना कराएं कि भैया बकरी का दूध है तो बच्चे को खूब दूध पिलाएं और बच्चा जल्दी से मोटा हो जाएगा। नहीं, यही आप गलती करते हैं। बच्चे को ज़्यादा दूध यानी ओवर फीडिंग कराओगे, वो लूज मोशन कर देगा यानी कि दस्त पतला टट्टी कर देगा और वो मोटा होने की जगह वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसे थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-6 बार में आप दूध पिलाएं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोने से पहले। ये अगर आप इस तरीके से 4 टाइम सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले, अपने खुद सोने से पहले आप उसे बच्चे को पिलाएं दूध और बच्चे को ढक करके रखें। जैसे अभी गर्मी उमस भरा मौसम है तो हवादार किसी टोकरी से ढके जिसमें हवा लगे और बकरी के बच्चे को सूखे जगह पर रखें, तो अब आपके बकरी का बच्चे का ग्रोथ बढ़िया होगा। और 15 से 20 दिन जब हो जाए तो बकरी के बच्चे का डीवार्मिंग करें। बरसात में बकरी और उनके बच्चों का डीवार्मिंग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बरसात के मौसम में बकरी के पेट में जो ये भीगा हुआ चारा, गंदा चारा आपके खेतों में नेपियर लगाया है या कोई और भी सुडान, ज्वार, मक्का जो भी लगाया है, वो बारिश में जब हवा आता है या ज़्यादा बारिश होता है तो गिर जाता है, उसमें मिट्टी लग जाता है तो बकरी उसे खाती है तो उसके पेट में वार बन जाता है। तो बकरियों को गंदा चारा खिलाने से बचें, उसे साफ करें यानी कि एक पानी, उसे अच्छे साफ पानी से धोएं, धोने के बाद वो ड्राई करें, फिर कटिंग करके जैसे भी खिलाते हैं आप खिलाएं। तो जब आप बकरी को बचाओगे तो उसके बच्चे को भी बचाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब माँ के पेट में वार्म रहेगा बकरी का दूध कम हो जाएगा तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। और बकरी के बच्चे का डीवार्मिंग, जैसे मैंने कहा 15 से 20 दिन में आप उसका डीवार्मिंग कर दें और डीवार्मिंग के बाद लगातार उसको 10 दिन लीवर टॉनिक दें। उसके बाद जैसे मैंने कहा 3 महीने तक देखभाल, उस 3 महीने में आप बकरी के बच्चे को 2-3 दिन पर 2 से 3 ml लीवर टॉनिक पिलाते रहें और जैसे ही बकरी का बच्चा 3 महीना पूरा कर जाए आप उसका एक बार डीवार्मिंग फिर से कर दें और हर बार अलग अलग डीवार्मर से डीवार्मिंग करें। हमारे चैनल पर वीडियो है कौन कौन सा डीवार्मर है, कैसे, कितना डोज है,
वो सब आप जा करके देख सकते हैं और अपने बकरी के बच्चे को पिला सकते हैं। और कुछ भाई इस वीडियो को देख करके अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा कड़वी बात सबको अच्छी नहीं लगती है। और ये मैं कड़वी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बकरी पालन की सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप सच्चाई बताओगे तो सबको खराब लगता है, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बकरी का बच्चा जब 15 दिन का हो जाए तो उसे धीरे धीरे हरे चारे की तरफ ले जाएं, उसे माँ के दूध के साथ साथ हरा चारा भी खिलाना सिखाए। लोग सिर्फ छोड़ देते हैं, माँ का दूध पीते रहता है, मेगनी करते रहता है, लूज मोशन करते रहता है, दवा खाते रहता है और उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा, समय समय से दूध पिलाए और उसे दिन में चारा, हरा चारा, जैसे अगर आपके खेतों में है तो ठीक है, नहीं है तो आम का पत्ता, नीम का पत्ता, महुआ का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, बहुत सारे पत्ते हैं, जामुन के, गुलर के, बहुत सारे पत्ते हैं। आप एक एक टहनिया ले आए, जो भी मिल जाए ला करके बकरी के बच्चे को डालें और धीरे धीरे हरा घास खाना शुरू करें, हरी चीज़ों को खाना सीखे। और जब वो खाना सीख जाएगा तो बाद में जैसे 2-2.5 महीने का वो होगा, अच्छे तरीके से चारा खाना भी सीख जाएगा, जुगाली करना सीख जाएगा। और बकरी के बच्चे को 3 महीने के बाद ही, अगर आप बकरी चराई पर रखते हैं तो 3 महीने के बाद ही अन्य बकरे बकरियों के साथ आप उसे चराई पर निकालें। और वैसे भी बरसात के मौसम में अगर आप बकरे बकरियां चराई पर रखते हैं तो आप ना रखें, क्योंकि इससे बकरियों को बहुत ही नुकसान। मैं तो स्टॉल फीडिंग पर करता हूँ और समय रहने पर चराता भी हूँ, तो अभी बरसात के मौसम में मैंने चराई का काम एकदम बंद कर दिया है। मैं स्टॉल फीडिंग पर खिला रहा हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, पूरा गीला रहता है, तो बच्चे भी जाएंगे अन्य बकरे बकरियों के साथ में तो वो भी गीला का शिकार हो जाएंगे, यानी कि उन्हें भी निमोनिया होने का डर रहेगा। और बकरी भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि गंदे चीज़ें खाना लगती है, घास पर धूल मिट्टी हिले सब लग गए हैं, जो मिट्टी का होता है, गोबर अन्य भैंसों का जो चराई पर रखते हैं वो सब लग जाता है, तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसे मड़ बोला जाता है, मिट्टी जो गीला हो जाता है तो मड़, वो सब घास उसमें डूब जाता है और नए नए घास निकलते हैं, उसमें कील फतंगे लग जाते हैं। तो इससे जो है कि जब माँ खाएगी तो बच्चे के ऊपर भी ये बहुत ही जो है ज़्यादा जो है कि इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप बकरी पालन में बकरी के बच्चे को हमेशा सूखे जगह पर रखें, उन्हें घर पर ही खिलाएं, और बकरियों को बरसात में बाहर चराने के लिए ना ले जाएं, घर पर ही खिलाने का व्यवस्था आप करें, सूखा चारा और हरा चारा का। तो दोस्तों, आप इस तरीका जो है कि अपने बकरी के बच्चे का बरसात में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लोग यही कहते हैं कि बरसात में ग्रोथ नहीं होता है, भाई छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जब आप ध्यान दोगे तभी जो है कि बकरी के बच्चे का ग्रोथ होगा, अन्यथा नहीं होगा, बकरी का बच्चा मोटा नहीं होगा। और जैसे ही बच्चा 2 महीना क्रॉस कर जाए, उसे हल्का हल्का जो है कि आप चोकर, और चोकर के साथ में दाना का दर्रा, दरुआ यानी तोड़ा हुआ दाना, जैसे गेहूँ हो गया यानी मक्का हो गया, जैसे कि जिसे दलिया बोला जाता है, वो मिला करके जो है कि आप खिलाना शुरू करें और देखें, फिर बरसात में आपके बकरी के बच्चे का ग्रोथ होगा। एक बार तो बच्चा जोरों से खाना स्टार्ट करता है, आप लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा रहा है, लेकिन वो हफ्ता 10 दिन ज़्यादा खाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो खाना कम कर देगा और ग्रोथ उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीका आप अपने बकरी के बच्चे का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।